दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है। भीषण गर्मी में अब पानी की परेशानी खड़ी हो गई है। इसका सीधे तौर पर करीब 30 लाख लोगों पर असर पड़ेगा। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली जल बोर्ड के कच्चे पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने वाला करियर लाइन चैनल हरियाणा के सोनीपत के पास टूट गया है, जिसकी वजह से अगले 2 से 3 दिन तक पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली की करीब 20% आबादी पर इसका असर पड़ेगा। जिन इलाकों में पानी की कमी होगी वो है बवाना, द्वारका, नागलोई, हैदरपुर, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला। दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सरकार के साथ मिलकर मरम्मत का काम कर रहा है। इसमें 48 से 72 घंटे लग सकते हैं। तब तक लोगों से अपील है कि जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें, पानी की बर्बादी रोकें और अगर कहीं पानी का रिसाव होता दिखे तो तुरंत जल बोर्ड को सूचित करें।